हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आपके अपनी चैनल डेल्टा ट्रेडिंग ऑफिशियल में। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे कि फिर निफ्टी का आज मंडे के दिन इंट्राडे में मोमेंटम कैसा था और उस अपन कैसे कैप्चर कर सकते थे, और उसके बाद बात करेंगे कल ट्यूजडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं जिनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अपन को बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है, और लास्ट में अपन जीरो टू हीरो लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस प्राइस एक्शन वाले एनालिसिस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पे आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शंस की वीडियो मिलती है, और साथ में हर सैटरडे को हम वीकली एनालिसिस डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और संडे को क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस और नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों, अभी बना है फिर निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में, और आज के दिन एक अपन को गैप अप ओपनिंग देखनी थी जो कि थी 200 प्लस पॉइंट्स के आसपास की। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल एक हमें एक बियरिश कैंडल बनती हुई देखने मिलती, जिसके अंदर हमें दो कैंडल एक इनसाइड कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने मिला, और जैसे ही लो लेवल आज का ब्रेकडाउन देखने मिला वहां से एक हमें गैप फिलिंग वाला मोमेंटम देखने मिला अराउंड 70 पॉइंट्स के आसपास का। उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो फिर हमें इस रेंज के अंदर ही मोमेंटम करते हुए देखने मिला, जो कि प्योरली एक साइडवेज मोमेंटम था जिसमें कि हमें सिर्फ प्रीमियम डीके ही देखने को मिला हुआ, और लास्ट में हमें फिर निफ्टी क्लोजिंग अराउंड 21,347 के लेवल के आसपास की देखने को मिली है। तो ये था फिर निफ्टी का मंडे के दिन का इंट्राडे का मोमेंटम का एनालिसिस। अब चलिए चलते पहले डेली टाइम फ्रेम में, और वहां देखेंगे कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में कैसा क्या प्राइस एक्शन बना रहे फिर निफ्टी। तो दोस्तों, अपन आ गए फिर निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, और जो हमें आज मंडे के दिन की कैंडल देखने वाली है वो एक अपन को हॉल्ट कैंडल या फिर बोल सकते हैं एक अपन को कंसोलिडेशन टाइप की कैंडल देखने वाली है, जिसमें कि आज के दिन सिर्फ अपन को साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है अपसाइड का वो है पहले ये वाला लेवल जो कि अराउंड 21,400 का लेवल के आसपास का, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो अपन को एक यहाँ से बुलिश मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है फिर निफ्टी में, जिसमें कि सीधा टारगेट अपना ऑल टाइम हाई लेवल जो कि है 21,750 के लेवल के आसपास का। डाउन साइड की मोमेंटम की बात करें तो अपन को डाउन साइड का मोमेंट तभी देखने को मिलेगा जब इस लेवल के नीचे सस्टेन करे जो कि है 21,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ से एक अपन को बियरिश मोमेंटम नीचे में देखने को मिल सकता है, जिसमें कि अपन को सीधा टारगेट 20,695 तक के देखने को मिल सकता है, और जब तक इन दोनों रेंज के बीच में मोमेंटम करे फिर निफ्टी यहाँ पे एक अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है या फिर वॉलेटाइल मोमेंटम भी अपन को देखने को मिल सकता है। तो ये था फिर निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस कि अपन को आने वाले दिनों में कैसा क्या मोमेंट और कहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब चलिए चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, और वहाँ डिस्कस करेंगे कल ट्यूजडे वीकली एक्सपायरी के लिए इंट्राडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो दोस्तों, अपन आ गए फिर निफ्टी के 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के चार्ट में। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपसाइड की मोमेंटम अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। अपसाइड में अगर 21,409 का लेवल ब्रेकआउट करे तो इसके ऊपर एक अपन को बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसमें कि जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे फिर अपन को एक गैप फिलिंग वाली मोमेंटम भी देखने को मिल सकती है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट अपना 21,485 तक का देखने को मिल सकता है, और अगर इसको ही ब्रेकआउट करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है जो कि है 21,560 का लेवल, और अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट होता है तो सीधे जो अपना थर्ड टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 21,616 का लेवल, और अपना फाइनल टारगेट रहेगा 21,665 का लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे अपसाइड में, अगर 21,400 के लेवल को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है फिर निफ्टी। तो अब चलिए देखते हैं डाउन साइड की मोमेंट अपन को कहाँ देखने को मिलेगी। डाउन साइड में अगर 21,250 का लेवल ब्रेकडाउन करे तो एक हमें इसके नीचे एक बेरिश मोमेंटम कंटिन्यूएशन में देखने को मिल सकता है, जिसमें कि फर्स्ट टारगेट 21,195 तक के देखने को मिल सकता है, और अगर इसको भी ब्रेकडाउन करता है तो सीधे फिर अपना अगला टारगेट ये वाले स्विंग तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि है 21,100 का लेवल, और अपना जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा फिर सीधे 21,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, अपना फाइनल टारगेट रहेगा ये वाला स्विंग लेवल जो कि अराउंड 20,955 के आसपास का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे डाउन साइड में, अगर 21,255 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है फिर निफ्टी कल के दिन, तो अगर फिर निफ्टी इस रेंज में मोमेंटम करे जो कि ये वाले रेंज, तो यहाँ पे एक अपन को साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ऐसे साइडवेज मोमेंटम में अपन को सिर्फ प्रीमियम डीके ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे जोन में ट्रेड करने से बचे जहाँ अपन को कोई भी ट्रेंडिंग मूव देखने को ना मिले, और किसी डायरेक्शनल मूव के लिए या तो पहले अपन इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे जो कि है 21,400 का लेवल अपसाइड में, या फिर डाउन साइड में 21,250 का लेवल ब्रेकडाउन करे तो एक हमें बहुत अच्छी ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकती है जिस तरफ भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करे फिर निफ्टी। अब चलिए देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बन के आ रही है तो उसे भी अपन मार्क करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड से अगर अपन ट्रेंड लाइन मार्क करें तो फिर अपन को एक ये वाले पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनाना शुरू करें और ऐसे एक्सटेंड कर दें तो अपन को एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन डाउन साइड में देखने को मिल रही है, और वहीं अगर अप साइड में अपन ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क करें जो कि ये वाली, तो यहाँ पे अपन को बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो जिस तरफ भी फिर निफ्टी इन ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे उस तरफ एक अपन को अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस को आप अपने चार्ट पे जरूर मार्क करें। अब चलिए देखते हैं जीरो टू हीरो लेवल्स अपन को कहाँ देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड में अगर अपन देखें तो अगर 21,500 के साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करता है तो वहाँ से एक अपन को शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है अपसाइड में। वहीं अगर डाउन साइड में अगर
21,195 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ से एक अपन को डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेवल्स और एनालिसिस समझ में आएगा और आप इन लेवल्स को अपने चार्ट पे मार्क करके रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एजुकेशनल यूज के लिए मार्क करेंगे। हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें जहाँ हम इंट्राडे के लिए लेवल्स, ट्रेंड लाइन्स और एजुकेशनल चार्ट्स पोस्ट करते हैं। तो हमारे फ्री एजुकेशनल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।